बिहार पुलिस के बारे में हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसको जानने के बाद आपको हैरानी होगी। क्या आपको पता है कि बिहार पुलिस एक दिन में कितनी बार पीटती है? अब आपको लगेगा कि ये कैसा अटपटा सवाल है, लेकिन एक राष्ट्रीय अखबार है, उसने बकायदा डेटा के जरिए सच्चाई सामने रखी है, जिसको जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। बिहार पुलिस एक दिन में 8 बार पिटती है, यानी वो जनता से मार खाती है। इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं होगी, आप भी इससे भली बात ही वाकिफ होंगे, आप खुद इसे महसूस भी करते होंगे। जनता और पुलिस के बीच में विश्वास का खत्म होना, जनता का ये मानना कि बिहार पुलिस जो है वो ताकतवर लोगों के लिए काम करती है, उसका यह मानना कि बिहार पुलिस जो है हर काम के बदले दाम लेती है और जब वो थाने पर जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। खासकर शराब के मामले में अमूमन देखा जाता है कि जो लोग हैं गांव वाले वो हमला कर देते हैं पुलिस वालों पर, क्योंकि अब सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए सबको पता चल गया है कि जो बड़ा से बड़ा शराब माफिया है उसे पुलिस नहीं पकड़ती है। कई नेता ऐसे शामिल हैं शराब के धंधा में, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन दूर दराज कहीं गांव में कोई महुआ का शराब बना रहा होता है अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करती है, जेल में डाल देती है, और इस वजह से ग्रामीण लोग भड़के होते हैं और जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है उन पर हमला कर दिया जाता है। और बाकायदा जो कुछ जो विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि अगर बिहार पुलिस नहीं सुधरी तो आने वाले वक्त में बिहार पुलिस पर और हमले बढ़ जाएंगे, इसके लिए पुलिस को एक बार फिर से अच्छे से प्रशिक्षण देने की जरूरत है। उनकी भाषा अमर्यादित है, वो आम लोगों से बढ़िया ढंग से बिहेव नहीं करते हैं, और अगर उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया बिहार पुलिस को तो आने वाले वक्त में जो लोग हैं वो और ज्यादा हमला करना शुरू कर देंगे। जनवरी का डेटा है, जनवरी के 31 दिन के बारे में कहा जाता है कि इसमें इस मात्र 31 दिनों में पुलिस कर्मी जो है 374 बार पीटे हैं, यानी आम लोगों ने, जनता ने लगभग सिर्फ जनवरी में पूरे बिहार से जो खबर आई 374 बार जो है वो पुलिस कर्मी जो है पीट चुके हैं। और ये सिर्फ राजधानी की हालत नहीं है, बिहार के 38 जिला में ये हालत है जहां पर लगातार पुलिस बल पर हमला हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो है हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। और इसमें इसके लिए ताकि बिहार पुलिस की साख बची रहे एक बार फिर से प्रशासन को वो सोचना और समझना होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से होता रहा तो फिर बिहार पुलिस की कोई साख नहीं बचेगी और फिर हर कोई जो है वो कानून हाथ में लेने लग जाएगा। जो पीटने वाला है वो जानता है कि इसका खामियाजा क्या हो सकता है, उसके बाद भी आखिर वो बिहार पुलिस को क्यों पीट रहा है। एक दिन में औसतन जो है 8 बार पुलिस कर्मियों की पिटाई होती है, मतलब साफ है कि बिहार पुलिस अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ती है, पैसा लेकर काम करती है, और इस वजह से आम लोगों में जो है वो काफी नाराजगी है। और कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि अगर बिहार पुलिस अपने रवैये में सुधार नहीं करती है तो आने वाले वक्त में यह हमला जो है वो और बढ़ जाएगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि पुलिस की पिटाई जब हो रही है उसके पीछे 5 वजह बड़ी कौन सी हैं? आम लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं होना और भाषा का अमर्यादित होना। आपने अमूमन कई वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर जहां पुलिस वाले मां बहन की गालियां देते हैं, और स्वाभाविक है कि कैसे लोग होते हैं जो गाली को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो पुलिस वालों पर हाथ छोड़ देते हैं। मामलों की सुनवाई करने के बजाय टालते रहना, हर काम के बदले दाम की अपेक्षा रखना, दाम आप समझ गए होंगे, प्रभावशाली लोगों या राजनीतिक दबाव में काम करना, पुलिस के खिलाफ शिकायत पर अफसरों का गंभीर नहीं होना। तो ये जो है एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक स्क्रीनशॉट भी हमने साझा कर दिया है जहां पर पुलिस हमले की कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। एक साथ दर्जनों एफआईआर से बिगड़ती है बात। बता दें कि एक पुलिस पर हमला होने के बाद एक सिरे से कई लोगों पर एफआईआर की जाती है। इस कार्रवाई में भी पुलिस का आक्रोश दिखाई देता है और पुलिस ऐसे लोगों का नाम भी रिकॉर्ड में लाती है जो घटना में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस अगर निष्पक्ष होकर काम करे और कार्रवाई से पहले घटना की जड़ तक पहुंच जाए तो काफी हद तक जो है वो हालात सुधर सकते हैं। बता दें कि पूर्व डीजीपी हैं बिहार के अभयनंद कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस पर हमला भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है और बिहार पुलिस को इस वक्त सचेत हो जाना चाहिए। जो उसकी साख बिगड़ रही है उस साख को बचाए रखने के लिए बिहार पुलिस को एक बार फिर से अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि आप जनता से फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, या जो पुलिस कर्मियों द्वारा अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या सीधे तौर पर कहें तो गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम चीजों से बचना होगा, घुसखोरी से बचना होगा।
और जो प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर जो बिहार पुलिस काम करती है इससे बचना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में यह हमला और बढ़ेगा और यह बिहार पुलिस की साख के लिए बिल्कुल खतरनाक है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।